देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ गया है। 70% से ज्यादा मामले केरल में दर्ज किए जा रहे हैं। आज गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 43,263 नए कोरोना केस आए हैं। इससे एक दिन पहले 37,875 केस आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 338 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। 40,567 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 2,358 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट 97.48% है। एक्टिव केस 1.18% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 6वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। अगर बात करें नए स्ट्रेन के ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले गुरुवार को 140 नए मामले, शुक्रवार को 150 नए मामले, शनिवार को 100 नए मामले, रविवार को 120 नए मामले, सोमवार को 133 नए मामले, मंगलवार को 23 नए मामले, बुधवार को 89 नए मामले और आज गुरुवार को 116 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 81,946 से 82,065 हो गई है। नए स्ट्रेन के कुल मामलों में रिकवरी लगभग 70% के करीब है और लगातार नए स्ट्रेन के मामलों में भारी कमी देखी जा रही है, जो कि राहत की बात है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।